हेलो दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी है चिकन दो प्याज़ा। चिकन दो प्याज़ा बनाने के लिए हम अपने इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है आधा किलो चिकन लिया है, 3 प्याज़े हैं उसको मैंने बहुत बारीक बारीक लंबा लंबा काट लिया है, 2 चम्मच ली है मीठी वाली दही, 2 चम्मच है हमारे पास अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टमाटर है मैंने उनको छील लिया है और बारीक बारीक काट लिया है, हल्दी ली है मैंने आधा छोटा चम्मच, नमक लेना है अपने स्वाद के अकॉर्डिंग, धनिया लेना है 1 चम्मच, मिर्ची लेनी है आधा छोटा चम्मच, थोड़ा सा ज़ीरा लेना है और गरम मसाला लेना है जो आपको पसंद हो आप ले सकते हैं। चलिए हम चिकन दो प्याज़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। गैस पे मैंने एक कढ़ाई रखी है, कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ ऑयल, रिफाइंड ऑयल 2 चम्मच के करीब। ऑयल यहाँ पर हमारा बहुत अच्छे से गर्म हो गया है, अब मैं ऑयल में डाल रही हूँ चिकन। चिकन को हमने इसमें अच्छे से भून लेना है 2 मिनट के लिए, हल्का हल्का सा शैलो फ्राई करते हैं इसको हम। मैंने इसको 5 मिनट भून लिया है और आप देख रहे होंगे ये कितना रेड रेड सा हो गया है, अच्छे से भून चुका है। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। मैंने एक कटोरे में निकाल लिया है, इन कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच और तेल डाला है, तेल अच्छे से हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें हम सारे प्याज को फ्राई कर देंगे, डिश ब्राउन होने तक हमने इसको फ्राई करना है। इसमें हमें 2 मिनट लग जाएंगे इसको फ्राई होने में। चलिए इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। आप देखिए जो हमारे प्याज है वो अच्छे से ब्राउन हो गए हैं, गोल्डन ब्राउन। तो आधा प्याज हम निकाल लेंगे बाद में डालने के लिए। देखिए मैंने आधा प्याज निकाल दिया है, ये हम बाद में डालेंगे। अब सेम प्याज में हम डालेंगे ज़ीरा, साबुत गरम मसाले, 1 मिनट के लिए इसको भून लेंगे। हम मसाले डालते हैं, मैं डाली हूँ उसमें धनिया, हल्दी, मिर्ची, नमक। अब इसको 1 मिनट के लिए मैं भून रही हूँ। मसाले अच्छे से भून गए हैं, अब इसमें मैं डाल रही हूँ टमाटर, अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे इन सबको। टमाटर अच्छे से गल गया है, इस पर हम दही भी डाल देते हैं, इसको मिक्स कर देंगे। चिकन भी इसमें डाल देते हैं, अच्छे से मिक्स कर देंगे सारे मसालों को चिकन में। क्योंकि हमने चिकन को पहले ही फ्राई करा हुआ है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको पकने में। चिकन में मैं 1 कप पानी डाल रही हूँ, मिक्स कर देंगे। और इसको अब हम ढक देंगे 10 मिनट के लिए। चिकन को मैंने ढक दिया है 10 मिनट के लिए, अब मैं इसको यहीं पे छोड़ रही हूँ। 5 मिनट हो गए हैं इसको ढके हुए, एक बार मैं इसको अच्छे से हिला दूँगी और फिर से इसको 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकने दूँगी। इसको यहाँ पे ढक दिया है 5 मिनट के लिए, 5 मिनट बाद हम अपना चिकन चेक करेंगे। 5 मिनट हो गए हैं, चलिए हम अपना चिकन चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये बिल्कुल हो गया है, रेडी है ये। गैस को हम करते हैं बंद और इसको एक सर्विंग डिश में निकाल लेते हैं। चिकन को मैंने निकाल लिया है एक बाउल में और हमारा चिकन दो प्याज़ा रेडी है। बट अभी इसमें एक कमी है, इसमें हमने डालना है जो हमारे फ्राइड अनियंस थे वो।
दोस्तों अब बिल्कुल रेडी है हमारा चिकन दो प्याज़ा खाने के लिए। चावल के साथ ये बहुत बढ़िया लगता है, आप भी ट्राई कीजिएगा। चिकन दो प्याज़ा डिफरेंट रेसिपी है, बहुत टेस्टी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी तो प्लीज़ सबके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो चलती हूँ अब मैं और आपको मिलूँगी एक और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।